अब तो फसाने हो गए, अब तो फसाने हो गए, अब तो जो है वो किताब का जो कहते हैं ना क्लाइमेक्स के ऊपर वाला सीन चल रहा है, तो फिर नहीं नहीं अल्लाह ताला जिंदगी और सेहत दे, अभी ना समझे कि क्लाइमेक्स है, उधर क्लाइमेक्स का कोई रहा अच्छा अभी ना खुश हो, मैं तो समझी थी शायद हो गए बस कुछ भी हो सकता है ना यार आप डराने वाली बात सुना करें मेरी अभी एक क्लाइमेक्स बाकी है अच्छा एक क्लाइमेक्स की गुंजाइश बाकी है बाकी नहीं ये वाला अच्छा मैंने सोचा था देखे भाई मैं इधर नहीं जाने वाला तुम भी इस किस्म की बात नहीं मेरे शो में मेरे सामने नहीं जी नहीं सबसे हैवी जब आप ये आटे दाल से मुझे याद आ गया कि जब आप लाजवाब अपनी पूरी वर्किंग कर लेते हैं और आपके पास सारे सबूत आ जाते हैं तो फिर आप डायरेक्ट छापा मारते हैं बाजू का तो कहते भी है कि भी तुम्हारा को मौकफ है तो पहले नहीं देखिए वो हर तरह के प्रोग्राम की अलग एक रिक्वायरमेंट होती है ज़ाहिर है उसमें जिस तरह खैर अभी रिसेंटली हमने किया तो उसमें हमें छापे से पहले सबूत रिवील करने की जरूरत पेश आई ठीक है सबसे हैवी रिश्वत क्या ऑफर हुई आपको चार साल पाँच साल पहले की बात है 2.5 करोड़ की जी तो वो और वो तो ज़ाहिर वो हमने हिडन कैमरे से उसको रिकॉर्ड भी किया बाजू का जो था आप रिकॉर्ड करके आ जाते हैं उसके बाद कहते होंगे कि हर तरह की चीज़ें होती हैं पहले तो प्यार मोहब्बत से बात होती है कभी अच्छा, देखें है। फिर वो कुछ वो ढूंढते हैं कोई रिश्तेदार कोई दोस्त कोई मालिकान का कोई रेफरेंस ढूंढते हैं फिर उसके बाद जो है ना वो धमकियों पे मामला आ जाता है इस बीच में कहीं पैसों की पेशकश भी किसी तरीके से कर दी जाती है तो तीन चार स्टेप्स होते हैं जो तकरीबन अब वो तय है कि हर प्रोग्राम के बाद ये होना है आपके सवाल से मैंने मुनासिब समझा मैं भी पूछ लूं आज तक किसी ने कहा आपकी बेगम के लिए डायमंड का सेट यही क्लिप निकलेगा और उसके बाद पता क्या है वो इकरारुल हसन की वाइफ ने कहा लेकिन मुझे लगता है शायद सुधर जाएगा आगे चल के अभी तो यार अभी तो बहुत ही अजीब मामला हो गया ये बात दुरुस्त है चूंकि अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है आप कोई भी बात कह सकते हैं और कोई भी कीचड़ उछाल सकते हैं ਸ਼ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਡਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਕੋਲੋਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਲੰਘਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੂ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਇਹ ਬਾਤ ਦਰਸਤ ਹੈ ਕਰਤੇ कि अक्सर कभी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वो तो जो पहला पूरे उसका एक माहौल होता है ना कि पता नहीं कुछ छापा पाएगा और उसका नुकसान ये होता है खाना हमें हमेशा देर से मिलता है जी देखभाल के जल्दी मिले वो प्लेटें भी ज्यादा बेहतर तरीके से साफ होंगी वो अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई खाना पहले बना पड़ा है नॉर्मली हाफ डन करके रखते हैं वो ताजी कड़ा अभी रात को मैं 2 घंटे बैठ के और उसके बाद हमें खाना मिला और सिक्योरिटी चेकिंग हमेशा सबसे ज्यादा होती है एयरपोर्ट्स के ऊपर सब प्यार से मिलेंगे इज्जत भी करेंगे दुआएं भी देंगे लेकिन तलाशी पूरी होगी मुश्किल से मेरा लर्निंग वो ट्रैफिक लाइसेंस बना ये मुझे ही पता किसी का उन्होंने इतना टेस्ट नहीं लिया होगा जितना मेरा लिया मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी क्या आपको कभी खौफ नहीं आता इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं और इस तरह के ऑपरेशंस पे जाते हैं शुरू में मुझे बहुत आता था खौफ लेकिन फिर जब मैंने देखा कि इतने लोगों की दुआएं हैं इसमें जान इसमें बड़ी दिलचस्प बात माफी करता कलाम भी हो रही कि वो एक रात में मुझे 2 बजे फोन आया किसी एक नंबर से ज़ाहिर वो बड़ी नींद में था मैंने वो नहीं उठाया फिर दूसरी बार फोन कोई 13-14 जब कॉल्स आई और रात का वो पहर था कि मैं घबरा गया कि अल्लाह रहम करे कोई इमरजेंसी का मामला ना हो किसी का तो जब मैंने फोन उठाया तो कहने लगे कि इकरार भाई मैं फला फला बात कर रहा हूँ आजाद कश्मीर से तो इकरार भाई ये सरेआम दी टीम लेके पहुंचो मेरी 3 मज्जां चोरी हो गई तो मुझे हंसी भी आई लेकिन आप सोचिए उस बंदे की क्या तवक्कोआत थी उसको था यार मैं इकरार को कहूंगा तो मेरी मज्जां ले लेना वालदा वालदा की क्या वो होती है क्योंकि माँ तो माँ ही है जी जी लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ज़ाहिर उतना उनका वाला खौफ वाला मामला नहीं होता ज़ाहिर दुआगो तो होती होंगी यकीनन नहीं यार परेशान नहीं नहीं वो आंटी आंटी परेशान क्या हालात होते हैं ये बता सकते हैं आंटी काफी परेशान नहीं मेरे सामने उन्होंने कभी कमजोरी जाहिर नहीं की कि जिससे मैं कमजोर पड़ूं यार रोके मुझे किसी चीज मजबूत औरत हां ऐसा नहीं उनको ये अंदाजा है कि मैं अगर कोई ऐसी बात करूंगी कि जिससे इकरार रुक जाए किसी चीज ऐसा नहीं होता है कि रुकना नहीं है ना तो फिर वो तासुर भी हम वो नहीं देते किसी भी चीज में नहीं है तो हम फिर इस किस्म का तासुर देते ही नहीं है रोकते भी नहीं हम रोकते भी नहीं है कहते चलो जो करना है क्यों नहीं रुकते क्या वो मैंने रोका भी नहीं और वो ठहरा भी हादसा क्या था जिसे दिल ने भुलाया भी दिल ने भुलाया वो तो मैं तो सदियों का सफर करके यहाँ पहुंचा था तूने मुंह फेर के जिस शख्स को देखा जाने वाले को कहां रोक सका है कोई
तुम चले हो तो कोई रोकने वाला भी नहीं। क्या कहें, क्या कहें, जाने वाले को ना रोको के भरम रह जाए। हेलो, तो भरम रहना ज्यादा बेहतर है ना। आप आपका जो बड़ा खूबसूरत शेर के ये अच्छा है कि आपस के भरम ना टूटने पाए, कभी भी दोस्तों को आजमा कर कुछ नहीं मिलता। ये भी अच्छा है। एक शेर और बड़ा खौफनाक है। अच्छा, हाँ, जिगर हो जाएगा छलनी, ये आंखें खून रोएंगी, हाँ, वसी बेफैज लोगों से निभा कर कुछ नहीं मिलता। क्या बात है, क्या बात है। तो अच्छा, लेकिन अकरार ये इस वक्त हम हंसी हंसी में बात कर रहे हैं, ये बहुत आसान है कहना, और मगर मैं समझ सकता हूँ कि बाकायदा एक तरह से आप एक महाज पर जा रहे होते हैं और बहुत लंबी चौड़ी उस तरह की सपोर्ट भी आपके पास नहीं। जी जी, तो ये इतना आसान काम नहीं है, हर रोज़ चोट खाना, हर रोज़ वो करना, कितना ही आदमी अब बहरहाल वो माइक टायसन जैसी तो आपकी तरबियत और बॉडी नहीं है ना यार, एक मुश्किल तो होती है ना। जिस दिन मारना पड़े उस दिन कह रहा है यार आज कुछ दिन अच्छा नहीं मिला। ये वाकई ऐसा ही है। मतलब जो आप सोसाइटी में तब्दीली के लिए कर रहे हो, मैं समझता हूँ उसकी बहुत बड़ी कीमत है यार। क्या बात? ये बात दुरुस्त है, लेकिन उसके बदले में परवरदिगार ने बहुत नवाजा भी है मुझे, जो जिस तरह से प्यार, जितनी दुआएं। अच्छा, ये भी बड़े मजे की बात है, आप दुरुस्त कह रहे हो। आपने जो बात की बहुत अच्छी बात की कि आपने किसी मादी उसका जिक्र नहीं किया। जी, एक सवाल यह भी पैदा होता है कि जब मादी तौर पे आदमी बहुत मजबूत हो जाए तो फिर आदमी कहता है कि यार अब इसमें पढ़ने की क्या जरूरत है। जी, अब देखिए, मगर हम देखते हैं कि आपके जज्बे में कोई तब्दीली जो है वो नहीं आई, ये भी बड़ी कमाल बात है कि 10 बरस में इस शोबे ने मुझे माली तौर पर जो देना था वो दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा घर है, बच्चा बेहतरीन स्कूल में पढ़ता है, गाड़ियां, मतलब जो एक बुनियादी सी अच्छी जिंदगी। मगर आपका जो खतरों से और फायर से खेलने की जो आदत है उसमें कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी बड़ी कमाल बात है। मुझे चंद वाकयात याद हैं कि एक एक फ़ज़ाई में मेज़बान थे, मुझे जहाज़ में मिले और उन्होंने मुझे लिटरली आंखों में आंसू और कहने लगे कि मैं इकरार भाई रोज़ा रसूल की जालियां पकड़ के आपके लिए दुआ करता रहा, और वो पहली मुलाकात थी मेरी उनके साथ। ये इसलिए बिल्कुल सौ इससे बड़ी मेरे लिए क्या बात हो सकती है। मुझे देखिए, एक शेर याद आ गया, मैं इकरार की नज़र करता हूँ, मेरी नज़र का है, सफ़र में ऐन मुमकिन है मैं खुद को छोड़ दूं, लेकिन ये तुम्हारे लिए जी, सफ़र में ऐन मुमकिन है मैं खुद को छोड़ दूं लेकिन दुआएं करने वालों का सहारा साथ साथ रहता है। कुछ ऐसे ही हमारा और तुम्हारा, कुछ ऐसे ही तुम्हारा और हमारा साथ। आज का तो मुझे मेरे ख्याल में प्रोग्राम सारा शायरी में गुजरेगा। सारी बातें शायरी। नाज़रीन, जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत मेहमान हमारे, मैं अगेन, हमारे कबीले का फख्र हमारे साथ मौजूद है, हमारी बहन हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ मौजूद है सैयद इकरारुल हसन और कुरतुल ऐन इकरार। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त जबरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली सैयद इकरारुल हसन और वन एंड ओनली कुरतुल ऐन इकरार। कभी सिफारिश सुनी हो किसी की? ये बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी नौबत नहीं आई, एक भी नहीं, एक भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी तरस आ गया हो कि यार, जो मैं होता है ना बाजुकात कि आपको लगता है कि हाँ ये काम तो गलत है जी, मगर इसकी वजह से जो जो लोग जिनका कसूर नहीं है जी, जो जो इससे सफर, तुम तो बहुत बारीक आदमी हो इसलिए मैं जो जो लोग इससे सफर करेंगे, मैं उनकी वजह से इसको, ये ठीक है, इस मामले में नहीं कभी किया, लेकिन ये मैं आपको खैर बताने की बात नहीं, लेकिन इस कि मेरी तनख्वाह को 10-15% जो है ना, जो मैंने 10-12 साल में लोगों को पकड़वाया और वो पकड़े गए तो उनके बच्चे और फीसें और वो उसमें चला जाता है। तो ये मिसाल के तौर पर एक शख्स को हमने पकड़ा कि वो काबिल माफ़ी ही नहीं है, वो ये मियो अस्पताल के